हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके पास जो भी ऑटोमेटिक स्विंग मशीन हो उससे आप किस तरह से ब्यूटीफुल नेकलाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपनी उषा स्टिच मैजिक मशीन का यूज़ करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सी नेकलाइन की, एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन क्रिएट करने के लिए। उसके पहले यहाँ पर नेकलाइन में हम फिनिशिंग करेंगे। आपको दिख रहा होगा इस तरह की नेकलाइन हमने कट की है, यहाँ से ये राउंड है और सेंटर से ये कट है, और इसी के जैसा फैब्रिक हमने इसमें पूरा इसके बराबर ही फैब्रिक कट कर लिया है नेकलाइन की फिनिशिंग के लिए। यहाँ से स्टिच करते हुए नेकलाइन की फिनिशिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से देखिए स्टिच करेंगे। इस तरह से नेकलाइन की फिनिशिंग करके टॉप स्टिच लगाने के बाद अब हम बैक साइड से इसको टर्न करेंगे, और यहाँ से जिस शेप में हमने ये स्ट्रिप कट की है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट की थी, तो इसी शेप में हम इसे पहले फोल्ड करेंगे और बड़े टाकू की एक स्टिचिंग ले लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़े टाकू की स्टिचिंग लेंगे जिससे कि बाद में हम उसे खोल सकें, या फिर आप हैंड हेमिंग भी कर सकते हैं जिस क्योंकि ये बाद में हमें एम्ब्रॉयडरी के बाद हम इसे खोल देंगे। तो जितने बड़े पॉसिबल हो सके उतने बड़े स्टेप्स लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर नेकलाइन की हमने पूरी फिनिशिंग कर ली है। ये वाली जो साइड वाली स्टिचेस हैं ये हम खोल देंगे, और इस नेकलाइन पे हम वाइट थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करने जा रहे हैं अपनी उषा स्टिच मैजिक मशीन का यूज़ करके। आप अपनी कोई भी ऑटोमेटिक मशीन जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको एम्ब्रॉयडरी करके बताती हूँ। चलिए अब मैं आपको नेकलाइन की एम्ब्रॉयडरी करके बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जिगजैग पैटर्न सेलेक्ट कर लिया है, पैटर्न सेलेक्टर को सी पर रखा है। स्टिच विथ हमारी 5 पर है, जितनी सबसे ज़्यादा होगी उस पर है, और स्टिच लेंथ यहाँ पर मैंने 1 पे रखा है। और अब स्टिच करके देखते हैं। नेकलाइन की सबसे साइड में हमें ये करना है, फैब्रिक को हाथों से थोड़ा सा खींच कर रखेंगे और बिल्कुल किनारे पे, नेकलाइन के किनारे पे जहाँ टॉप स्टिच हमने की है वहीं पर हमें ये एम्ब्रॉयडरी लेनी है।
फैब्रिक को हाथों से हमें खींच कर रखना है, ध्यान रखें इस बात का। यहाँ नेकलाइन के कॉर्नर पर आने के बाद हम फैब्रिक को ऐसे टर्न कर देंगे। यहाँ पर हमें कॉर्नर पॉइंट नहीं लेना है, तो कॉर्नर पॉइंट ना लेने के लिए अब हम इसे डायरेक्ट इस साइड टर्न कर देंगे ऐसे, और इस साइड की ज़िगज़ैग पैटर्न लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मतलब कॉर्नर नहीं बना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी बन रही है। बिल्कुल इसी पैटर्न में हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। अगेन यहाँ पर हम टर्न करेंगे फैब्रिक को। आप चाहे तो यहाँ पर आप बेसिंग पेपर, बुकरम या न्यूज़पेपर कुछ भी नीचे की साइड में अप्लाई करके कर सकते हैं। यहाँ पर थिक फैब्रिक है और मैंने इसमें फिनिशिंग की ले ली है, तो फैब्रिक जो है ऑलरेडी वो डबल लेयर का हो चुका है, तो फैब्रिक की थिकनेस अच्छी हो गई है, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई सा भी बेसिंग पेपर वगैरह यूज़ नहीं किया है। और जो थोड़ी बहुत इसमें सल आने की प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक को पूरा ऐसे खींच करके, फिंगर से खींच करके रख रही हूँ, तो सल इसमें नहीं आएंगे। तो ये हमारा एक लाइन पूरा हो गया है ज़िगज़ैग पैटर्न से। अब नेक्स्ट इसी के जस्ट बगल में हम दूसरा पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। अब हमने पैटर्न सेलेक्टर को के पर सेलेक्ट कर लिया है, स्टिच विड्थ हमारी 5 पर ही और स्टिच लेंथ हमारी 1 पर ही है। यहाँ पर अब हम पैटर्न सेलेक्टर के की स्टिच करेंगे इसके जस्ट बगल में। यहाँ पर भी हमें फैब्रिक को खींच कर रखना है ताकि कोई सल नहीं आएगी। आप देख सकते हैं हमारे पैटर्न सेलेक्टर के की भी स्टिच बहुत ही ब्यूटीफुली हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुली हो गई है। अब यहाँ पर हम दूसरा पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। अब हमने पैटर्न सेलेक्टर को सी पर सेलेक्ट किया है, बट यहाँ पर स्टिच लेंथ हमने 0 और 1 के बीच में कर दी है और स्टिच विड्थ हमने 3 पर कर ली है। तो अब ज़िगज़ैग पैटर्न का सिंपल चलेगा, ये देखिए इस तरह से।
नेक्स्ट अगेन यहाँ पर मैंने पैटर्न सेलेक्टर को K पर सेलेक्ट किया है और स्टिच लेंथ हमारी जो है वो 0 से 1 के बीच में है और स्टिच विड्थ हमारी 5 पर पूरी कर ली है मैंने। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है यूज़ करने की जो मैं आपको बता दूँ, इस साइड से इधर से जिधर से फैब्रिक हम डाल रहे हैं इस साइड से हमें फैब्रिक को हल्का अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथों से दबा कर रखना होगा जिससे फैब्रिक स्लोली निकले यहाँ से बाहर, तो एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न क्रिएट हो जाता है स्क्वायर शेप में फिलिंग वाला। तो वही मैं यहाँ करने जा रही हूँ। इस साइड से फैब्रिक हमें खींचना नहीं है, इस साइड से हल्का सा प्रेस करके रखना है हाथों से और स्लोली फैब्रिक को छोड़ना है। आप देख रहे होंगे स्क्वायर का पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है। देख रहे होंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न, ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी होती जा रही है। अब यहाँ पर हम पैटर्न सेलेक्टर को सेलेक्ट करने वाले हैं दूसरे पैटर्न पे और ये हमारा लास्ट सिलेक्शन होगा। यहाँ पैटर्न सेलेक्टर को अब हमने सेलेक्ट कर लिया है आई पर, स्टिच लेंथ है 0 और 1 के बीच में और स्टिच विड्थ है 5। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सी नेकलाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का पैटर्न सेलेक्टर सेलेक्ट करके बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें से हम थोड़ी सी हैंड डिटेलिंग देने जा रहे हैं। तो ये जो साइड में हमने ये कर्व वाली डिज़ाइन बनाई है जो पैटर्न सेलेक्टर आई से सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने साइड में स्टिचिंग चलाई थी वो भी ओपन कर ली है, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ गई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हैंड हेमिंग कर सकते हैं, हैंड हेमिंग से बहुत ही फिनिशिंग रहती है। यहाँ पर अब हम हर एक कॉलम में हर एक कट्स जो हैं सी पैटर्न में जो कट्स बने हुए हैं उसमें ये वाइट बीट्स लगाएंगे, वाइट पर्ल्स लगाएंगे, छोटी वाली हैं, देखिए आप देख सकते हैं छोटी वाली वाइट पर्ल्स हैं यहाँ पर, ये हम लगाने जा रहे हैं हर एक सेंटर में, हर एक कर्व के सेंटर में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये जब हर एक कर्व के सेंटर में
आप इस तरह से लगा देंगे। और इतनी सारी एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इसमें नेक लाइन में स्टिफनेस भी बहुत आ गई है, कड़क हो गई है नेक लाइन, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी ये वियर करने पे। ये देखिए ईज़ली एक एक पर्ल लेकर के हम हर एक कर्व में सेट कर देंगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी पर्ल्स लगाकर मैं फाइनल लुक शो करती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी बनकर कंप्लीट हो गई है, साथ ही में पर्ल्स लगाने से ये पर्ल वर्क एम्ब्रॉयडरी भी हो गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस तरह से आप अपने किसी भी प्लेन फैब्रिक पे नेकलाइन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अपने ब्लाउजेस पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसी तरह की डिज़ाइनिंग्स आप स्लीव्स और स्लिट्स पर भी कर सकते हैं या दामन पर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।